वेलकम टू सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। शाहू, आई एम फ्रॉम क्लास 11 जे ऑफ सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट IUPAC नंबरिंग एंड नेमिंग। तो ये जो IUPAC एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली कुछ नहीं, स्टडी ऑफ कार्बन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 है। कार्बन को क्या कहते हैं? टेट्रावेलेंट कहते हैं। टेट्रावेलेंट, टेट्रा मतलब फोर और वैलेंट मतलब वैलेंसी। वैसे कार्बन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2-4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ये टेट्रावेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम ऐसे इसको टेट्रावेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन एंड कार्बन। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसके 3 टाइप्स है। एक होता है एक्सपांडेड फॉर्म, सेकेंड है कंडेंस्ड और थर्ड है बॉन्ड लेंथ। तो एक्सपांडेड फॉर्म का एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो C4H10 है, तो हम इसको एक्सपांडेड में कैसे लिखेंगे? C4 है तो कार्बन क्या 4 हो जाएगी, ठीक है? H10, ये 10 है और हाइड्रोजन 10 है, तो हमको ऐसे हाइड्रोजन अटैच करना है कार्बन के इसमें, मतलब हमको कैसे 4 बॉन्ड कंप्लीट करनी है। ये देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड हो रहा है कंप्लीट, 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन। तो ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। वही अगर हमें इसको कंडेंस्ड में लिखना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? कंडेंस्ड में लिखना है तो देखो कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने? 3 है, तो इधर कार्बन एक और हाइड्रोजन 3, तो CH3 लिखेंगे। फिर इधर CH2 आएगा, हाइड्रोजन 2 है कार्बन एक, CH2। यहाँ पे फिर से अगेन CH2 आएगा और यहाँ पे फिर CH3 आ जाएगा। तो ये इसका कंडेंस्ड फॉर्म हो गया। अब यही हम बॉन्ड लाइन में कैसे लिखेंगे? तो इसको बॉन्ड लाइन में कुछ इस तरह लिखेंगे, ऐसे। ये ओपन है तो यहाँ पे कितने? 3 हाइड्रोजन आएंगे, मतलब ओपन है तो 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, हमें ऐसा मानना है। और यहाँ पे ऑलरेडी ये एक बॉन्ड बना रहा है, तो बाकी के बचे कितने? हमको 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 3 बॉन्ड और करना है। तो ये ओपन है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, ये यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है और ये कार्बन है, हमें ऐसा मानना है। और फिर ये 2 हाइड्रोजन है, मतलब इधर 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है और 2 बॉन्ड और बनेंगे, मतलब 2 हाइड्रोजन ऐसे और आएंगे। तो कितने थे? C4।
1, 2, 3, 4 ये एक्स्ट्रा, तो ये आ जाएगा इसका बॉन्ड लाइन। ओके तो बेसिकली हमको नंबरिंग और नेमिंग करने के लिए ये सीक्वेंस याद रखनी चाहिए। तो देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स, हमें ये सब पूरा लर्न रहना चाहिए तो हम नंबरिंग नेमिंग करने में हमको आसानी होगी। देखते हैं, चलो सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम क्या लगाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कैसे? अल्काइल हैलोजन। अल्काइल हैलोजन में क्या क्या आता है? क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया। तो ये सब कैसे अल्काइल हैलोजन में आते हैं? तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है ये। वही प्राइमरी प्रीफिक्स में हम क्या लगाते हैं? साइक्लिक, बायसाइक्लिक, स्पायरो, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है हमको ये बताना है उसमें, ठीक है? साइक्लिक और साइक्लो। नेक्स्ट है वर्ड रूट, ये सबसे मेन होता है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी। पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन, पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन बेसिकली क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन हम आगे देखेंगे कि मतलब कैसे काउंट करते हैं। और प्राइमरी सफिक्स में हम कैसे लगाते हैं? जैसे कि सैचुरेटेड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लगाएंगे? ए एन ही लगाएंगे। वहीं अगर अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड है तो ई एन ही लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ही लगाएंगे। तो वो आ जाएगा प्राइमरी सफिक्स में। नेक्स्ट पे सेकेंडरी सफिक्स में, सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या लगाते हैं? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को हम ऐसे शॉर्ट में पी एफ जी भी लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर भी हमको याद रहना चाहिए तो हमको नंबरिंग नेमिंग करने में कैसे आसानी होगी। तो फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। फर्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड सल्फोनिक एसिड, थर्ड एसिड एनहाइड्राइड, फोर्थ ईस्टर, फिफ्थ एसिड हैलाइड, सिक्स्थ है अमाइड, फिर साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर थायल, फिर है अमाइन। तो इसे भी हमको कैसा याद कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट चलो देखते हैं। अब जैसे कि देखो नंबर ऑफ कार्बन अगर वन है तो कितना हम क्या लगाएंगे? मिथ लगाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन वन है तो मिथ लगाएंगे, टू है तो एथ, थ्री है तो प्रोप, फिर ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब वही फिर अगर 11 रहा तो एंडेक, 12 रहा तो डोडेक, 20 रहा तो आइकॉन्स, और 30 रहा तो ट्राइकॉन, 40 रहा तो टेट्राकॉन,
फिर वही अगर 100 रहा तो हेक्टा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमको ये बेसिक चीज़ पता रहनी चाहिए, जैसे कि ये एन है, अगर सिंगल बॉन्ड रहा, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो हम क्या एन यूज़ करते हैं, एन। वही अगर डबल बॉन्ड रहा तो एन, ट्रिपल रहा तो वाइन, अब ये बात हमको ध्यान में रखनी है कि टू डबल बॉन्ड रहे तो क्या क्या लगाएंगे हम, अगर दो दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो टू डबल बॉन्ड रहा तो हम क्या लगाएंगे, डाई एन, वर्ड रूट, जैसे वर्ड रूट है, वर्ड रूट, ये वर्ड रूट है, इसके आगे प्राइमरी सफिक्स की बात चल रही है, तो हम कैसे लगाएंगे, डबल टू डबल बॉन्ड रहा तो डाई एन प्लस डाई प्लस एन, डाई मतलब क्या होता है टू, डाई एन टू डबल बॉन्ड जाएगा। वही अगर टू ट्रिपल बॉन्ड रहा तो टू ट्रिपल बॉन्ड रहा तो वर्ड टू प्लस डाई वाई एन, डाई वाई एन, तो ये ऐसे हो जाएगा। और फिर अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों रहा तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके लिए हम कैसे लगाएंगे, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, ई एन ई लगाते हैं, ठीक है, ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, वाई एन ई, हम इसको ई एन ई फिर वाई एन ई ऐसा लगाएंगे, बट यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर ऐसे हम अगर ऐसे लगा रहे हैं प्राइमरी प्रीफिक्स में तो ए ई आई ओ यू या वाई ऐसा आता है, इनमें से ऐसे कोई आते हैं वॉवल्स में से, तो ये वॉवल मिस नहीं आता है, बट इसे हम यहाँ पर काउंट करते हैं तो ये ई कट हो जाएगा, ई यहाँ से कट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, नाइन बन जाएगा। ओके तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमको पता होगा, इसमें क्या कहते हैं, अब सेकेंडरी सफिक्स में हम कैसे, सेकेंडरी सफिक्स से सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब सबसे पहले जो लगाते हैं हम नंबरिंग नेमिंग करते टाइम, तो वो कैसा अल्काइल हैलोजन देते हैं, मतलब क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो ये सब, तो ये सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है, क्लोरो फ्लोरो और ब्रोमो, और अभी आ गया, हम इतने ही देखेंगे। नेक्स्ट सिलेक्शन फॉर पीसीसी। अब पीसीसी क्या होता है,
सिलेक्शन फॉर पीसीसी। पीसीसी क्या होता है? पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन क्या होती है? लॉन्गेस्ट चेन। मतलब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 सी एच ऐसा लेते हैं, इजी पड़ेगा। CH3 फिर CH2 इसमें लॉन्गेस्ट चेन कहाँ बन रही है? ये कैसा है? 1, 2, 3, 4 यहाँ से काउंटिंग करने में कितना आ रहा है? 4 यहाँ से काउंट करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब हमको चेन बनानी है, लॉन्गेस्ट चेन रखनी है हम यहाँ पे। 4 ये है, स्ट्रेट लाइन है, बट हम इसे काउंट कैसे करेंगे? यहाँ से कुछ इस तरह, क्योंकि यहाँ पे क्या लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। तो हम इसका नाम क्या रख देंगे? C5 है तो क्या आ जाएगा? पेंट आ जाएगा। और ये कितने नंबर पे है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड नंबर पे क्या है? CH3। CH3 क्या होता है? CH4 माइनस H, तो क्या बन जाता है? ये अल्काइल बन जाता है ना। अल्काइल मतलब C कितना, कार्बन कितना है? 1 है, तो ये हो जाएगा मिथाइल। कार्बन के लिए, 1 कार्बन के लिए हम मिथ लगाते हैं, तो ये आ जाएगा मिथाइल। तो हम इसका क्या नाम रख देंगे? पेंट 3, अरे ये लगाएंगे इधर साइड से, 3 मिथाइल और पेंट 1, 2, 3, 4, 5। PCC कितना है? 5 है, 5 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा? पेंटेन। फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं बस। जैसे कि अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे OH लगा लेते हैं। तो कार्बन कितने हैं इसमें? 2 कार्बन है, ठीक है। कार्बन कितने हैं? उसे लिखते हैं। कार्बन कितने हैं? 2 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 2 कार्बन के लिए क्या जाता है? ईथ। और OH का ये प्रीफिक्स क्या लगता है? OH रहता है, तो अल्कोहल में OH लगता है। तो इथ, 2 कार्बन है तो क्या जाएगा? इथेन। और OH है तो क्या जाएगा? प्लस OH, इथेन 1 OH। कौन से नंबर पे? ये फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे है ना, कार्बन से फर्स्ट नंबर पे अटैच है, तो इथेन 1 OH। तो हम इसको डायरेक्टली इथेन OH भी लिख सकते हैं। अगर ये अगर सेकंड रहता, यहाँ पर रहता OH, सपोज मान लो कि OH यहाँ पर है, यहाँ पर H है, या 3 कार्बन देख लेते इधर, तो सेकंड नंबर पर ऐसा होता, तो हम इसको क्या लेते? इथेन 2 OL। फिर इसको डायरेक्ट इथेन 2 OL ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ क्या लिखते हैं हम? 2 इथेन। इस तरह थैंक यू गाइस।